हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल देख के जो है पता चल ही गया होगा आप लोग को कि आज का वीडियो जो है किस टॉपिक पे है। दोस्तों, आज का वीडियो तीन टॉपिक पे है। नंबर एक, हेल्पर से जो है इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हेल्पर पर जाना चाहते हैं वो लोग भी सोचते हैं कि कहीं हम जो है हेल्पर में ही बाहर ना हो जाएँ, यानी कि इंटरव्यू हम दें और उसके बाद बाहर हो जाए। तो दोस्तों, नंबर दो, एक भाई ने हमसे पूछा था कि आपने जो है काम कहाँ पे सीखा था। और नंबर तीन जो है वो एक भाई ने पूछा था कमेंट के जरिए कि कोई भी बंदा टेस्टिकल वाला जो है 80 भी अरब कंट्री में जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आज मैं आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इन्हीं तीनों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो है गल्फ से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, हेल्पर से इंटरव्यू में जो है क्या पूछा जाता है। लेकिन अगर जो है हकीकत देखी जाए तो हेल्पर का इंटरव्यू होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हेल्पर जब भी किसी बंदे को कोई काम नहीं आता है तभी वह जो है हेल्परिंग में जाने के लिए तैयार होता है। तो अगर किसी भी बंदे को कोई भी काम आता है हेल्पर में जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो दोस्तों, हेल्पर से मेरे हिसाब से इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लिया अगर कभी बाई चांस होता भी है तो क्या क्या पूछा जाता है, यही मैं आज मैं आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, हेल्पर से हमेशा पूछा जाता है कि आपने अभी तक काम कहाँ पर किया है और काम क्या किया है, यानी कि क्या काम कर सकते हो आप। तो दोस्तों, क्योंकि ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जब भी किसी बंदे को जब हेल्पर में जाना होता है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसका अकेला ही कोई काम होता है। ऐसा भी होता है कभी कभी, यानी कि कोई भी जो है बंदा है, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो मतलब जो है प्लम्बर हो, किसी भी चीज़ के बारे में काम करता हो, अगर उसको नॉलेज है तो उसको एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है, वो हेल्पर बंदा जो है उसकी मदद करता है। तो इसीलिए जब भी हेल्पर को जो है बुलाया जाता है तो उससे पूछा जाता है, अगर इंटरव्यू होता है, कि आप जो है क्या काम करते थे, क्या काम कर लेते हैं, कहीं आप उसी से रिलेटेड तो नहीं कर लेते हैं जिस काम में आपको रखना है। ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसी बात जो है उससे पूछी जा सकती है। बाकी मेरे हिसाब से हेल्पर का इंटरव्यू होना ही नहीं चाहिए, और होता भी वैसे नहीं है। अगर होता भी है तो वैसे इससे जो है ऐसी ही एक दो चीज़ें पूछी जाती हैं, ज़्यादा कोई हार्ड इंटरव्यू होता भी नहीं है। दोस्तों, नंबर दो, मैंने जो है काम खुद कहाँ सीखा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, काफ़ी बार जो है लोग पूछते भी रहते हैं कि जो है मैं कहाँ पे रहता हूँ, मैंने काम जो है कहाँ पे सीखा है। दोस्तों, मैं उन्नाव ज़िले का रहने वाला हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। लेकिन मेरे घर से जो लखनऊ ज़िला है वह नज़दीक है, और उन्नाव की जो शहर है वह दूर पड़ती है। तो दोस्तों, हम जब काम सीखते थे तो लखनऊ जाते थे, तो वहीं पे लखनऊ में हमने वोल्टास का एक सर्विस सेंटर है, वहाँ पर हमने जो है काम सीखा था। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या टेस्टिकल वाला बंदा किसी भी अरब कंट्री में काम करने के लिए जा सकता है, उसका मेडिकल जो है पास हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोग को बता दूं, दोस्तों हर किसी भी कंट्री के लिए, जितनी भी अरब कंट्री हैं, सब कहीं पे जाने के लिए आपका मेडिकल जो है वो गम का मेडिकल होता है। दोस्तों, अगर आपका गम का मेडिकल होता है तो अगर आपके अंदर टेस्टिकल की कोई भी प्रॉब्लम है, थोड़ी है, तो उसके हिसाब से अगर वह जाने देता है तो अलग बात है, वरना आपके अंदर अगर टेस्टिकल की जरा सी भी प्रॉब्लम है, यानी है बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। पहले उस चीज़ को आपको यहीं पर सही करवाना होगा, उसके बाद जो है इलाज करवाना होगा पहले, उसके बाद जो है आप बाहर जा सकते हैं। ऐसे आप जो है अगर आपको दिक्कत है तो आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आप जो है मेडिकल में फेल हो जाओगे। दोस्तों, एक चारा है, आप जो है अरब कंट्री में जा सकते हैं, अगर आपको टेस्टिकल की भी प्रॉब्लम है, यानी अंडकोश की प्रॉब्लम है, तब भी आप जो है बाहर जा सकते हैं। वह कंट्री है दुबई। दोस्तों, दुबई आप कैसे जा सकते हैं, दुबई आप जो है यहाँ से विजिट वीजे पे जा सकते हैं, और उसके बाद जो है वहाँ पर आपका मेडिकल होगा। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है अंडकोश की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तब आप जो है आपका मेडिकल वहाँ पर भी फेल हो जाए, क्योंकि आपको देखने में ही पता लगेगा कि आपको ऐसी दिक्कत है। अगर आपको नॉर्मली दिक्कत है तो यूएई के अंदर, दुबई के अंदर आपका मेडिकल 100% पास हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर यह चीज़ नहीं देखते हैं, वहाँ का मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर आप पक्के वीज़े में यहाँ से जाते हैं तो आपका जो है गम का ही मेडिकल होगा, लेकिन अगर आप यहाँ से विजिट वीज़े पर जा करके वहाँ पर आप जो है अपना एम्प्लॉयमेंट कन्वर्ट करते हैं, यानी विजिट टू एम्प्लॉयमेंट करते हैं दुबई जा कर के, यूएई जा कर के, तब जो है आपका मेडिकल नॉर्मली होता है, यानी कि सिर्फ आपका जो है चेस्ट का एक्सरे होता है, और उसके बाद आपका जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लड की जांच होती है। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो है आपकी कोई भी नहीं चेक की जा सकती। हाँ, अगर आपको देख के लगता है कि आपके अंदर कोई वैसी प्रॉब्लम है तब भले ही आपको चेक किया जाए, लेकिन अगर आप ऐसा लगता नहीं कि आपके अंदर कोई वैसी विशेष प्रॉब्लम है तो आपका जो है कुछ भी चेक नहीं होता है, सिर्फ आपका एक्सरे होता है और आपका मेडिकल होता है, उसके बाद जो है आपको पास कर दिया जाता है।
अगर आपके अंदर अंडकोश की कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है तो आप मेरे हिसाब से किसी भी गल्फ कंट्री में नहीं जाएं, यानी कि अगर आप दुबई जा सकते हैं आप तब भी मत जाएं, क्योंकि वहाँ पर जो है इस चीज़ का इलाज या किसी भी चीज़ का इलाज जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो आपको दिक्कत होगी। अगर आपकी कंपनी के थ्रू उस चीज़ का इलाज नहीं होता है तो आपका इलाज जो है बहुत ज़्यादा महंगा होगा। तो मेरी सलाह यही है कि अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आप उसको पहले यहीं पर जो है सही करवा लीजिए, इलाज करवा लीजिए, उसके बाद जो है आप बाहर जाइए, जिससे कि आपको जो है दिक्कत ना हो आने वाले समय में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। आप लोग भी कमेंट करते रहिए, जिसके जरिए हमको जो है वीडियो बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि आपके कमेंट के ऊपर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। आप लोग को जो जानकारी चाहिए होती है वही मैं बताता हूँ। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।